हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि जो भी आप लोग इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं इग्नू से रिलेटेड एक पूरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको इग्नू के बारे में एडमिशन से लेकर उसके रिजल्ट तक के प्रोसेस को बताऊँगा। और इग्नू का जो फुल फॉर्म होता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी होता है। यह एक ओपन यूनिवर्सिटी है, इट मीन्स यहाँ पे आपको क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक साल में दो बार एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। पहला एग्ज़ाम जो होता है उसको दिसंबर सेशन कहा जाता है, दूसरा एग्ज़ाम जो होता है उसको जनवरी सेशन कहा जाता है। अगर कोई बच्चा जो दिसंबर वाले सेशन में एडमिशन लिया हो और वो अपने एक साल में, जैसे कि इसका मिनिमम जो इग्नू में आपका ग्रेजुएशन के लिए जो मिनिमम टाइम होता है वो 3 ईयर्स होता है, और मैक्सिमम पीरियड जो होता है वो 6 ईयर्स का होता है। तो अगर कोई बच्चा जो दिसंबर में एडमिशन लिया हो और वो नेक्स्ट दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, या फिर एग्ज़ाम देता है और किसी सब्जेक्ट में वो फेल कर जाता है, तो वो जून में अटैम्प्ट लेके उसमें एग्ज़ाम दे सकता है। तो ये सारी सुविधाएँ जो है इग्नू में हैं। आगे की बात बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम देने से पहले हमें असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। असाइनमेंट जो हमारा होता है पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं, और किसी किसी सब्जेक्ट में, जैसे कि साइंस के सब्जेक्ट्स लेके जो ऑनर्स करते हैं उनके लिए लैब वर्क भी ये होता है, देना पड़ता है उन्हें। तो अभी मैं आपको ये पूरे प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो उसका एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन इसका दिसंबर और जून, मतलब आफ्टर एग्ज़ाम जो होते हैं उसके तुरंत ठीक बाद ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप दिसंबर या फिर जून सेशन में एक साल में दो बार कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। इन्हों के जो फ़ी है, एडमिशन फ़ी, वो जनरल जो ऑनर्स करते हैं, बीए ऑनर्स, और उनके लिए 3,000 to 2,300 के करीब होती है। और एक फ़ी की पूरी लिस्ट में जो है मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। आप कौन से ऑनर्स को करना चाहते हैं, या फिर आप जनरल बीए जनरल करना चाहते हैं, बीएससी जनरल करना चाहते हैं, उसके लिए भी जो फ़ी होगी वो भी आपको पूरी वो लिस्ट में, पूरी लिस्ट में मिल जाएगी। तो आगे जो हम बात करते हैं वो है एग्ज़ाम की। तो आपने जैसे ही एडमिशन लिया, तो एडमिशन लेने के बाद आपका, आप अगर सॉफ्ट बुक के सॉफ्ट कॉपीज़ को अप्लाई करते हैं या फिर बुक के कंटेंट को अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए कुछ अलग फ़ीस लगती है, अबाउट आपको 400 to 500 लगती है। और अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हैं वहाँ से, तो आप वहाँ पे आपको वो जो फ़ी होता है बुक का उसको आपको काट के, जितना भी होता है 10% वो काट के आपको ये ले लिया जाता है, एडमिशन फ़ी ले लिया जाता है। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो 10% ऐड करके उसमें आपको एडमिशन के वक्त आपको फ़ी दे देनी पड़ती है। और वो बुक जो है आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू से आपके घर तक आपकी जो एड्रेस है वहाँ पर पहुँचा दी जाती है। इसके बाद जो है बुक मिल जाने के बाद का प्रोसेस जो है हमारा, वो आता है असाइनमेंट का। एग्ज़ाम आने से लगभग 2 to 3 months पहले असाइनमेंट के लिए आपको असाइनमेंट जमा करना पड़ता है पर सब्जेक्ट का। आपको अपने स्टडी सेंटर, जहाँ पे आपने अपना स्टडी सेंटर चूज़ किया हुआ है, वहाँ पे असाइनमेंट के 100 मार्क्स होते हैं। असाइनमेंट नेसेसरी है आपके लिए। अगर आप असाइनमेंट जमा नहीं करते हैं और एग्ज़ाम किसी सब्जेक्ट का दे देते हैं, फिर भी आपका एग्ज़ाम नॉट कम्प्लीटेड यानी इनकम्प्लीट ही बताएगा, क्योंकि असाइनमेंट नेसेसरी है इसमें। तो आपने असाइनमेंट जमा किया, ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट एग्ज़ाम के पहले जमा करना है। एग्ज़ाम अगर आप पहले नहीं कर पाते हैं और एग्ज़ाम दे देते हैं, तो बाद में भी आपका जो नेक्स्ट असाइनमेंट सबमिशन का जो डेट आएगा उसमें भी आप कर सकते हैं असाइनमेंट जमा। तो ये सारी सुविधाएँ जो है इग्नू में हैं। इसके साथ ही साथ असाइनमेंट जमा करने के बाद हमारा रिजल्ट का डेट, मतलब फॉर्म फिलअप का जो फॉर्म अप्लाई होता है उसका जो डेट अलाउंस होता है, तो उसमें अभी पर सब्जेक्ट जो है 200 rupees ये फ़ी है पर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो पहले एग्जामिनेशन फॉर्म आप डालते हैं, तो एग्जामिनेशन फॉर्म डालने के बाद आपका एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड आने के बाद, तो अभी कोरोना के कारण थोड़ा एग्ज़ाम में डिले चल रहा है, बाकी टाइम पर एग्ज़ाम हो जाता है। दिसंबर में ऐसे एग्ज़ाम हो जाता है, और एक एग्ज़ाम जो है जून में हो जाता है। तो दिसंबर से जून में आपका, तो ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट करा दी जाती है। उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, और आप जाके अपने ग्रेड कार्ड इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने ग्रेड कार्ड स्टेटस में अपने असाइनमेंट्स के मार्क्स और आपका जो रिजल्ट में जितने नंबर आए हैं वो सारा जाके आप वहाँ पे अपडेट हो चुका रहता है, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये सुविधा जो है ऑनलाइन है, इग्नू की सारी सुविधाएँ आपको ऑनलाइन मिलेगी। और बाकी रिजल्ट आने के बाद आप
रिजल्ट आने के बाद या फिर एग्ज़ाम देने के बाद फॉर्म रिसबमिशन का जो है आप सेकेंड ईयर के लिए आपको फिर से रिसबमिट करना पड़ता है फॉर्म, तो इसके लिए वहाँ पे एक लिंक आई हुई रहती है, आप वहाँ से जाके फॉर्म रिसबमिशन कर सकते हैं। उसके लिए भी फी जो होती है पर ईयर के लिए, जैसे कि मान के चलिए एक एवरेज में 3200 है, तो 3200 आपको पर ईयर देने पड़ते हैं जब फॉर्म आप सबमिट करते हैं। तो रिसबमिशन के वक्त भी आपको 3200 देने पड़ते हैं, आपको आपके सब्जेक्ट्स चूज करने के लिए आपको दिए जाएंगे फॉर्म। आप अगर फॉर्म सब कैसे ये रिसबमिशन की एक वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आप कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। तो आप जैसे ही फॉर्म रिसबमिट करते हैं, आपको पेमेंट करते हैं, तो सेकेंड ईयर में आप चले जाते हैं। इसके बाद अगर आप किसी सब्जेक्ट में रिजल्ट आने के बाद किसी सब्जेक्ट में क्रॉस कर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकेंड ईयर में जाने के बाद भी उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में एफियर हो सकते हैं, और फिर से आपका जो है नंबर अपग्रेड हो जाता है वहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, आप मैक्सिमम 6 ईयर्स ले सकते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए अपने यूनो से, और मिनिमम 3 ईयर्स में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी यूनो की जो सारी ये हैं क्लासेस कुछ यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे आपको, और हमारे चैनल पे भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो इग्नो क्लासेस के लिए एग्ज़ाम स्पेशल के लिए बनाता हूँ मैं, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और बहुत सारे एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ बुक, आप मान के चलिए गैस पेपर वगैरह जो होता है, गैस पेपर एग्ज़ाम के लिए मान के चलिए इग्नो का कंटेंट बहुत बढ़िया है। इग्नो का कंटेंट बढ़िया होने के कारण इसमें एक सब्जेक्ट में 3 से 4 बुक्स दिए जाते हैं। 3 से 4 बुक्स अगर आप किसी अदर जॉब में लगे हुए हैं या फिर आप एक ऑप्शनल के थ्रू से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट अपना कर रहे हैं, आप अगर क्लासेस वगैरह नहीं कर पाते हैं, आप फुल फोकस नहीं दे पा रहे हो इग्नो पे, तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे मार्केट में उसकी एक गैस पेपर आती है, तो उसमें से आप उसको परचेस कर सकते हैं। उसके बाद उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीरज की आती हैं, गुल्ली बाबा की आती हैं, ये सारी पब्लिकेशन हैं जो इससे क्वेश्चन मैच करते हैं। बाकी आप हमारे चैनल पर भी वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम जो कंटेंट देते हैं ये 100% जो है एग्ज़ाम में मैच करते हैं, और यहाँ से भी आप पढ़ाई करके आप 70-80 नंबर आप अचीव ये ला सकते हो एग्ज़ाम में। तो ये जो है ये सारी बातें हैं इग्नू से रिलेटेड। बाकी इग्नू से आप अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी टेक्निकल रिलेटेड फील्ड पे जाना चाहते हो, कि आप इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हो, तो फिर इग्नू का जो सर्टिफिकेट होगा ये वैलिड नहीं होगा। बाकी अदर किसी भी सेक्टर में आप अगर जाते हो तो इग्नू का जो भी है सर्टिफिकेट ये वैलिड होता है। आप किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन में जाते हो या फिर आप IAS तक का भी अगर IAS UPSC भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपका ये इग्नू का सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, बाकी इग्नू से रिलेटेड बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लोगों को पता नहीं होती हैं और इग्नू में एडमिशन नहीं कराते हैं। लेकिन अगर आप अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करना चाहते हैं, या फिर आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो और साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी करना चाहते हो, या फिर आप कोई फुल टाइम जॉब कर रहे हो, आप किसी सर्विस में हो और ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इग्नू इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू कंप्लीट ग्रेजुएशन। आप यहाँ से ग्रेजुएशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आज मैंने आपसे शेयर किया। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर बने रहें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा। और ठीक है, तो वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।